सऊदी मुमलिकत में डिफरेंट वजारतों में वजारत दिफा, दाखिला, नेशनल गार्ड, सेहत, अदलिया, वजारत बल्दियात, अमूर से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे शोबों में करप्शन के कई केसेस आए हैं और करप्शन के केसेस में जो है वो 641 लोगों से तफ्तीश की गई है, जबकि इनमें से 233 शहरियों और मकीम गैर मुल्कियों को करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया गया है। 5,518 तफ्तीशी दौरे हुए, उसमें से 641 लोगों के से पूछगिछ की गई जिनको उस कटहरे में लाया गया और 233 लोग बाकायदा ज़ेर हिरासत हैं करप्शन के इल्ज़ाम में। और ये सऊदी वजारत दिफा, दाखिला, नेशनल गार्ड, वजारत सेहत, वजारत अदलिया, वजारत बल्दियाती उमूर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो अपने अपने शोबों में अपने मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे, ज़ाती मफादात का हसूल उनका पर्पज़ था और रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और धोखादही के इल्ज़ाम इन लोगों पर थे और इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बाज़ लोगों को ज़मानत पर छोड़ा गया है, लेकिन जबकि बाज़ का केस जारी है और दीगर बहुत से लोग अभी भी ज़ेर हिरासत हैं।